खबर राजधानी देहरादून के विकास नगर से है, जहां उपनल कर्मियों की मांगों को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रघुनाथ सिंह नेगी की अध्यक्षता में तहसील का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसके बाद जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष और जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 10 से 15 हजार रुपए पाने वाला उपनल कर्मी परेशान है, जिसके चलते मोर्चा उपनल कर्मियों की मांगों को पूरी करने के साथ ही माननीय हाईकोर्ट के आदेश अनुसार उपनल कर्मियों का नियमितीकरण करने की मांग करता है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। दरअसल उपनल कर्मचारियों के हितों को लेकर के, उनके नियमितीकरण को लेकर, उनके तमाम लाभ है उनको लेकर के आज जनसंघर्ष मोर्चा में तमाम हमारे उपनल के साथियों ने यहाँ पर आंदोलन किया। हमारा इसमें यही कहना है कि जो इन कर्मचारियों को लाभ मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया है, और इस मामले में इनके नियमितीकरण के मामले, इनके लाभ के मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नवम्बर 2018 में सरकार को निर्देश दिए कि इसमें इनका नियमितीकरण इनके करके इनको लाभ भी दिया जाए, लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में इस पर रोक लगा दी। अगर सरकार इसमें थोड़ी बहुत ही रहम दिखाए तो निश्चित तौर पे जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश है उसके तहत इनका नियमितीकरण कर सकती है, और जो सुप्रीम कोर्ट में SLP उन्होंने दायर किया उसको वापस लेकर के उस दिशा में जा सकती है।